रायसेन जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं खलाली डैम औसत भराव से 15 फीट ज्यादा भर चुका है, जिससे डैम किनारे बसे गांव जलमग्न हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल कायमपुर का है, जहां पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। जहां मोटरसाइकिल जीप ट्रैक्टर चलती थी, वहां आज नाव चल रही है। कायमपुर के गाँव में कई घर गिर गए, खेतों में पानी भरने से लाखों रुपए की फसलें नष्ट हो गई है। गाँव के हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरा गाँव तालाब बन चुका है। घरों में कमर तक पानी आ गया है, लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। पिंडियों के टंकियों के नाच पूरे खराब हो गए, पूरे घरों में खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची, पानी भरा चुका है सब में। सब की तरफ से कोई मदद मिली आपको? नहीं मिली अभी, कुछ मदद नहीं मिली हमें, कुछ मदद दे, पानी पीने के लिए पानी नहीं है बिल्कुल भी। गाँव में बीमार हो रहा है, किश्तियों से ले जा रहे हैं, फिर अस्पताल के लिए भी कुछ मदद नहीं है। हमारा पूरा गाँव ही डूब गया है, क्या कितने का बूढ़े बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, इन्हें किश्ती और कंधों से लेकर जाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। बहुत ही अत्यंत समस्या है, करीब 35-40 घर डूब में। यहाँ पूरे गांव में नाव से आना जाना हो पा रहा है, गांव के कई घर गिर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन गांव वालों की सुध कब लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाड़ न्यूज, रायसेन।